डोगरे राजपूत भी थे, डोगरे जाट भी थे और जातियां भी थी, लेकिन हम सब कौन? काफिर। एक रोज ऐलान हुआ, काफिर 24 घंटे के अंदर अंदर घाटी खाली कर दे, लेकिन अपनी घर की औरतों को छोड़कर जाए। मेरी माँ वहां जिन्हें राखी बांधा करती थी, भाई कहती थी जिन्हें वो, जैसे कि यहाँ भी भाई 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 कहती थी उन्हें, जो लोग हमारे बागों में घरों में काम किया करते थे, रात को रात रातों रात उनकी नजरें बदली। 13 वर्ष की आयु सीमेंट के ट्रक में छुपकर भागना पड़ा वहां से, अपना सब कुछ छोड़ के, खाली हाथ, नंगे हाथ, एक कपड़ों में। भजनलाल सोपुरी संतूर वादक, देश विदेश में प्रसिद्ध, उनकी कोई प्रसिद्धि, उनकी कोई संपत्ति उनके अपनों के काम नहीं आई, उनके सगे भाइयों को, सगी भतीजी को, सब कुछ खाली हाथ छोड़कर वहां से भागना पड़ा। लेकिन वहां हमारे साथ हुआ क्यों ऐसा? क्योंकि वहां हम संख्या में घट गए थे और वो दूसरा समुदाय संख्या में बढ़ गया था, और कश्मीरी भाइयों की तरह निराश होकर बैठी नहीं, भाग कर भगाए गए, यहां आए, यहां आए, पढ़ाई करी, नौकरी करी और वो नौकरी छोड़ी भी। जब देखा कश्मीर जैसे हालात यहां भी पैदा हो गए हैं, अरे हमें तो कोई संकेत भी नहीं थे, हमें तो रातों रात लताड़ के, मार के, काट के, बांट के भगाया गया था। आप लोगों को तो संकेत मिल रहे हैं, ऊंचे पजामे, गोल टोपियां, हर नमाज पे सर के रोकना, आपको तो जताया जा रहा है, बताया जा रहा है। सबसे बड़ा उदाहरण कश्मीर है, बांग्लादेश है, आपके पास तो बहुत उदाहरण आ गया, सब कुछ तो समझ में आ रहा है। संख्या जहां जहां पड़ती है वहां वहां हम कटते हैं, बढ़ते हैं, भगाए जाते हैं। इतिहास उठा के देख लें, आज भी उठा के देख लें। और हाँ, हम में से जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं वो किसी भी गलत फहमी में ना रहे,